अहमदाबाद में हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, स्कूटी सवार दो लड़कियों को कार ने मारी टक्कर, हवा में उछलकर सड़क पर गिरी दोनों लड़कियां। खतरनाक हादसे के बाद हुआ चमत्कार, दोनों लड़कियों की बच गई जिंदगी, अस्पताल में है भर्ती। बिहार के समस्तीपुर में टाइल से लदा ट्रक पलटा, मलबे में दबकर चार की मौत। दर्दनाक हादसा सीसीटीवी में कैद, सड़क से गुजर रहे राहगीर बने शिकार। मुजफ्फरनगर में मोहब्बत पर पहरेदारी के बाद एक प्रेमी ने की खुदकुशी, तो प्रेमिका ने भी प्रेमी की कब्र पर खाया जहर, अस्पताल में भर्ती प्रेमिका की हालत नाजुक। बिजनौर में एक लड़की महज कुछ घंटे के लिए बनी दुल्हन, रात में निकाह के बाद सुबह हुआ तलाक। लड़की का निकाह पड़े जाने के बाद लड़की के घर से गायब हुए 1,16,000 रुपए, दूल्हे के भांजे पर चोरी का था शक, विवाद बढ़ने पर कराया तलाक। बिजनौर में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा, तमाम हथियार बरामद, एक शख्स गिरफ्तार, घर के तहखाने में बनाए जाते थे हथियार। आईएसआईएस का इंडिया हेड शफी अरमार एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव, भारत में युवाओं को जिहाद से जोड़ने के लिए यूसुफ अल हिंदी के नाम से दे रहा है मैसेज। एनआईए और अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के साथ हुई मीटिंग में खुलासा, अरमार की साजिश का हुआ खुलासा, आज तक के पास मौजूद है शफी अरमार के 2015 में किए गए चैट्स की कॉपी। मथुरा में नेशनल हाईवे 2 पर डीजल टैंकर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, बड़ा हादसा टला। अलवर में जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 8 पर देर रात दो ट्रकों में टक्कर, दोनों ट्रक जलकर खाक। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस थाने में एक शख्स ने की खुदकुशी, एसपी ने दिए जांच के आदेश। कोयंबटूर में 12वीं के 2 छात्रों ने रिजल्ट आने से पहले दी जान, फेल होने के डर से की खुदकुशी, परिणाम आने पर एक छात्र में मिले 80% नंबर। बिहार के देवघर में टला बड़ा हादसा, 11,000 की वोल्ट की सप्लाई लाइन की सुरक्षा जाली टूटी, ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। दिल्ली में एनडीएमसी के लॉ ऑफिसर की हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी की तलाश जारी। सूत्रों के मुताबिक लॉ ऑफिसर की हत्या के लिए 4 लोगों की दी गई थी सुपारी, सोमवार शाम घर के पास हुआ था लॉ ऑफिसर का कत्ल। भोपाल में चल रही रेप पार्टी में पुलिस की रेड, 6 बार बालाओं समेत 19 गिरफ्तार। मध्यप्रदेश के इंदौर में होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा, 8 पुरुष और 4 महिलाएं गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल में चल रहा है था सेक्स रैकेट, कई युवक युवतियां हिरासत में। दिल्ली के अमर कॉलोनी में 23 साल की युवती की बियर की बोतल से हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, टेलीफोन केबल पर खुदाई कर रहा था मजदूर। दिल्ली के छावला इलाके में चल रहे मेले में हादसा, टिन शेड गिरने से 13 साल के बच्चे की मौत, एक अन्य घायल। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में चोरों ने ज्वेलरी शोरूम से चुराया हीरो का हार, सीसीटीवी में कैद वारदात। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के पास त्रिकुटा के जंगलों में लगी आग, हेलीकॉप्टर सेवा भी रही प्रभावित। यूपी के सहारनपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में 1 पक्ष के 2 लोगों की मौत, कई जख्मी। यूपी के इटावा में लू लगने से 1 शख्स की मौत, जिले में गर्मी से मौत का पहला मामला। यूपी के मैनपुरी में गाड़ियों के गोदाम में लगी आग, आग से 7 गाड़ियां पूरी तरह खाक। यूपी के शाहजहांपुर में डीएम के ट्रांसफर के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, ईमानदार डीएम का सिर्फ 29 दिन में जिले से ट्रांसफर किए जाने से थे नाराज। उत्तराखंड के श्रीनगर में गांव के पास तक पहुंची जंगलों की आग, रात भर आग बुझाने की कोशिश में जुटा रहा प्रशासन, वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। राजस्थान के जालौर में बीजेपी जिला मोर्चा अध्यक्ष को सलाम न करना एक शख्स को पड़ा महंगा, नेताजी ने चलाई गोली, चाकुओं से किया वार, युवक घायल। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में नहीं थम रहा बच्चों की मौत का सिलसिला, मंगलवार को एक और बच्चे ने तोड़ा दम। बाड़मेर के आकाशवाणी रोड पर लगे एक ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग, करीब 1 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। बीकानेर में जमीन के नीचे धमाके से मचा हड़कंप, धमाके के बाद जमीन पर पड़ी दरारें, कई जगह बने गड्ढे। राजस्थान के धौलपुर में भीषण गर्मी से आम जनजीवन बेहाल, मंगलवार को 46.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। हैदराबाद के पास जानलेवा सड़क हादसे में सीट बेल्ट से जीवन दान, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बचे लेकिन पत्नी और ड्राइवर की मौत।
बैंगलोर की सड़क पर बेकाबू बीएमडब्ल्यू का कहर, ऑटो रिक्शा को ओवरटेक करने के चक्कर में चार लोगों को रौंदा, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। भारी सुरक्षा के बीच तमिलनाडु के तिरुपुर से 570 किलो करोड़ रुपए लेकर कोयंबटूर पहुंचे दो ट्रक, पुलिस की गलतफहमी से रोका गया था एसबीआई का रुपया। मथुरा में सीएमओ के दफ्तर पर अस्पताल की महिला कर्मचारियों का हंगामा, डॉक्टर पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। राजस्थान के नागौर में 12वीं के छात्र ने की खुदकुशी, मेरिट में नाम नहीं आने से था दुखी, सुसाइड नोट में लिखा मम्मी पापा माफ करें, सपनों को पूरा नहीं कर सका।